गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू आर फाइन। आप अच्छे हैं, आपके अच्छे होने की मैं कामना करता हूं। आप सब परिवार कुशल होंगे, आप अपना पढ़ाई लिखाई ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी जारी रखें, क्योंकि ये जो परिस्थितियां हैं हम लोग के लिए चुनौती है, और उस चुनौती को हम स्वीकार करें यही मानव धर्म होता है। मानव परिस्थितियों का दास होता है। इस कहावत को चरितार्थ हम लोग कर रहे हैं कि विपरीत परिस्थिति में भी एक अच्छी पढ़ाई आपको दे रहा हूं मैं, और आप पढ़ भी रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आप अपना क्लास हमारे चैनल एम कुमार केमिस्ट्री क्लासेस की ओर से आपको एक बेहतर शिक्षा दे रहा हूं, आप इसे लाभ उठाएं। बहुत खुशी होती है जब बिहार से बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आता है अपने पढ़ाई को लेकर, जो पढ़ाई का कॉन्सेप्ट, जो पढ़ाई का तरीका दे रहे हैं हम आपको, आपको बहुत पसंद आ रहा है, आपका प्यार हमें इसी तरह से मिलता रहे। मैं आपसे YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ा रहूं, मैं ये प्रयास कर रहा हूं ताकि एक आपके उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकूं। तो कल के क्लास को आगे बढ़ाते हुए, कल जो हम लोगों ने क्लास किया है उसके बाद का जो क्लास है उस चीज को हम देखते हैं, आगे चलते हैं। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, उसके बाद का क्या टॉपिक है, इस चीज को जरा समझते हैं। तो कल का क्लास था यूनिट सेल के प्रकार, और फिर उसमें यूनिट सेल में एटम की संख्या का निर्धारण, जिसको आपने कल देखा था। आगे बढ़ते हैं उसी टॉपिक में, उसी चैप्टर में। टॉपिक है सेवन क्रिस्टल सिस्टम। मतलब है कि रबादार ठोस को सात भाग में बांटते हैं। वो सात भाग में बांटने का आधार क्या है, इसी चीज पर चर्चा करनी। तो आपने पीछे पढ़ा है कि यूनिट सेल का तीन अक्षीय लंबाई ए बी और सी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस ए, वाई एक्सिस बी, और जेड एक्सिस को हमने क्या माना था, सी माना था। तो अक्षीय लंबाई ए बी और सी, और अक्षीय कोण अल्फा बीटा और गामा, याद होगा। ये याद है ना, अक्षीय लंबाई ए बी सी और अक्षीय कोण अल्फा बीटा और गामा। तो रबादार ठोस में सेवन क्रिस्टल सिस्टम जो पढ़ना है उसका आधार क्या है। तो कहता है कि रबादार ठोस को अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर सात भाग में बांटते हैं। रबादार ठोस को अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर सात भाग में बांटते हैं, सात प्रकार में बांटते हैं, उसी को सेवन क्रिस्टल सिस्टम कहा जाता है। सेवन क्रिस्टल सिस्टम अक्षीय लंबाई तथा अक्षीय कोण के आधार पर रबादार ठोस को कितने भाग में,
सात भाग में बांटते हैं, ध्यान दीजिएगा, सात भाग में बांटते हैं, बांटा गया है जिसे सेवन क्रिस्टल सिस्टम, क्या कहते हैं उसे, सेवन क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। तो अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर सेवन क्रिस्टल सिस्टम को कैसे बांटा गया है, तो ध्यान दीजिए, सिस्टम क्यूबिकल, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरॉम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक, ऐसे इसका हिंदी भी होता है, लेकिन इसकी हिंदी ज्यादा कठिन होता है, इसलिए आप इसका इंग्लिश टर्म याद करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जिस सिस्टम का तीनों भुजा ए बी और सी क्या हो, बराबर हो, और तीनों कोण अल्फा बीटा और गामा कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, वो क्या कहलाता है, क्यूबिकल। क्यूबिक मैंने समझते हैं ना, घन, घनाकार जिसको आप कहते हैं। टेट्रागोनल, ए और बी यानी दो भुजा बराबर है लेकिन सी तीसरी भुजा बराबर नहीं है, परंतु अल्फा बीटा और गामा तीनों जो कोण है वो कितने डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, उसको क्या कहते हैं, टेट्रागोनल कहते हैं। और तीसरा जो है मोनोक्लिनिक, जिसमें ए बी और सी तीनों भुजा बराबर नहीं है और उसमें दो कोण जो है अल्फा बीटा 90 डिग्री के बराबर, गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं है। उसके बाद आपको आता है ऑर्थोरॉम्बिक, जिसकी तीनों भुजा बराबर नहीं है और तीनों कोण जो है 90 डिग्री के बराबर है। उसी प्रकार से हेक्सागोनल, ए बी दो भुजा बराबर, सी बराबर नहीं है, उसमें अल्फा और बीटा जो है वो कितने के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर, और गामा 120 डिग्री के बराबर होता है। रोम्बोहेड्रल तीनों भुजा बराबर, ए बराबर बी बराबर सी, और अल्फा और बीटा बराबर है लेकिन गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तीसरा क्या है, सातवां क्या है, ट्राइक्लिनिक, तीनों भुजा और तीनों कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं है। आपको जो एग्जामिनेशन में इसमें क्वेश्चन आते हैं वो पहला और सातवां, ये दो जो टॉपिक हैं, पहला और सातवां जो एग्जाम्पल है ये आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और ये सभी का एग्जाम्पल आपको दिया है। ये जो टॉपिक्स है ये याद करने की टॉपिक है, आप इसको याद कर लेंगे, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, जरूर से जरूर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसलिए आप इसको याद कर लेंगे और इसको आप नोट कर लीजिए। आगे चलें, ध्यान दीजिएगा। तब आता है अगला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छुपा हुआ है, बहुत सरलता से उसको समझ में आ सकता है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अक्सर इसमें से पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, अभी आपने क्या देखा था कि रवादार ठोस के आकृति को देखा था, कैसा है, क्यूबिकल है, कैसा है, हेक्सागोनल है, कैसा है, रोम्बोहेड्रल है, मोनोक्लिनिक है, ये सब क्या था,
संरचना है, क्यूब घनाकार क्या है, आकार है। तो वो जो संरचना था वो किसके आधार पर, अक्षीय कोण और अक्षीय लंबाई के आधार पर। अब जो हम पढ़ेंगे वो भी संरचना ही है, आकार ही है, लेकिन वो किसके आधार पर, इस चीज को समझना है। क्लोज पैक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो समझ रहे हैं, संरचना। क्लोज मतलब सटा हुआ रहना, जुड़ा हुआ रहना। तो वो एक दूसरे से, उसके जो अवयविक, किसकी संरचना, रबादार ठोस की, कैसे, तो उसके जो अवयविकण हैं वो कैसे सजे हुए हैं। जरा सा ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए ये पांच अवयवी कण है, किसी रवादार ठोस के पांच अवयवी कण है, ये ऐसे सजे हुए हैं। अब इसको हम जरा सा दूसरे रूप में सजाते हैं, को एक और रूप में सजाते हैं। जरा गौर कीजिए, यहां भी अवयवी कण की संख्या कितनी है, पांच, यहां भी अवयवी कण की संख्या कितनी है, पांच, और यहां भी अवयवी कण की संख्या कितनी है, पांच। इसके केंद्र को, रबादार ठोस के अवयवी कण कौन, अणु, परमाणु या आयन, अणु परमाणु या आयन की संरचना कैसा होता है, गोल होता है। तो इसके केंद्र को हम मिला दें, मिला दिया, तो मिलाने पर एक सरल रेखा ऐसे प्राप्त होती है, ठीक है। अब ये कैसे सजे हुए, इस तरीके से पांच, जरा इसके केंद्र को मिलाते हैं, ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं, आप गौर कीजिए, यहां पर जो आकृति मिला वो एक रेखा की तरह, लिनियर, रैखिक, और यहां पर जो आकृति मिला वो किसके जैसा, त्रिभुज के जैसा, यहां पर जो आकृति मिला वो एक वर्ग के जैसा, आयत के जैसा। तो आप क्या देखते, यहां भी अवयवी कण पांच, यहां भी अवयवी कण पांच, यहां भी अवयवी कण पांच, लेकिन ये एक दूसरे से किस तरह सटे हुए हैं, किस तरह सजे हुए हैं, किस तरह पैक हैं, अंतर है पैकिंग में, सजावट में क्या है, अंतर है। तो सजावट में अंतर के कारण उसका आकार भी क्या हो गया, अंतर हो गया। इसी चीज की यहां पे व्याख्या करनी है, यहां पे हमको क्या पढ़ना है, रवादार ठोस की स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर किस पर डिपेंड करता है, तो उसके अवयवी कणों की सजावट पर, यानी उसकी सजावट में हम अंतर कर देते हैं तो उसकी संरचना क्या हो जाती है, अंतर हो जाती है। इसी चीज का अध्ययन करना है। फिर से बात कर ले, क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर उसका पढ़ना है, क्लोज पैक मतलब वो उसके अवयवी कण एक दूसरे से कैसे क्लोज है, कैसे सटे हुए हैं, कैसे एक दूसरे के नजदीक में व्यवस्थित किए गए हैं, उसके आधार पर उसकी संरचना का अध्ययन करना है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोज पैक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो लिखते हैं, ध्यान दीजिए, कहता है स्ट्रक्चर के अंतर्गत रवादार
श्वासकोश के अवयवी कणों को इस प्रकार अलग अलग व्यवस्थित करने पर उसकी अलग अलग संरचना प्राप्त होती है जिसका अध्ययन इस प्रकार करते हैं। क्लोज पैक स्ट्रक्चर के अंतर्गत टॉपिक क्या है? क्लोज पैक स्ट्रक्चर, उसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? रवादार ठोस के अवयवी कणों को इस प्रकार अलग अलग व्यवस्थित करने पर उसकी अलग अलग संरचना प्राप्त होती है जिसका अध्ययन इस प्रकार करते हैं। मतलब है कि रवादार ठोस के अवयवी कण को हम कैसे सजाएंगे तो कौन सी संरचना प्राप्त होगी, इसी का अध्ययन करना। नोट कर लीजिए, तो इसमें सबसे पहले आता है वन डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। वन डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, वन डायमेंशनल, डायमेंशन तो आप जानते हैं 3D, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो वन डायमेंशनल क्लोज पैक, यानी इसका मतलब यह हो गया कि उसके अवयवी कण केवल कितने डायमेंशन में, कितने डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, चाहे वो एक्स के डायरेक्शन में सजा दीजिए या वाई के डायरेक्शन में सजा दीजिए या तीन में से कोई एक जेड के डायरेक्शन में सजा दीजिए। तो जरा गौर कीजिएगा, आपने रवादार ठोस के अवयवी कण को एक दूसरे से टच करते हुए कितने डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, कौन एक्सिस, एक्स के अलोंग आपने क्या किया है, सजाया है। जब एक्स के अलोंग सजाया, एक डायरेक्शन में सजाया, वन डायमेंशन, एक डायमेंशन में, एक डायरेक्शन में सजाया और उसके केंद्र को जब हम टच करते हुए मिलाते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, वन डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या देखा गया कि रवादार ठोस पदार्थ के जो अवयवी कण थे, कौन होता है अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन, कैसा गोल, कैसा शेप होता है उसका, गोलाकार होता, वो वन डायमेंशन, एक दिशा में, केवल एक दिशा में एक दूसरे से सजे हुए हैं और जब इसके हम केंद्र को एक दूसरे से मिलवाते हैं तब उसकी जो आकृति प्राप्त होती है वो कैसी प्राप्त होती है, लिनियर प्राप्त होती है। तो क्या कह सकते हैं इसमें कि यदि रवादार ठोस के अवयवी कण एक दूसरे से वन डायमेंशनल
सजे होते हैं। वन डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर कहलाता है। यदि रवादास बोस के अवैविकंद एक दूसरे से वन डायमेंशनल सजे होते हैं, वन डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर कहलाता है। इसको लिख लीजिएगा, लिख लिए। अब इसमें इसका परिभाषा कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन समझना तो पड़ेगा। इसमें दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या जरा गौर कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि वन डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर की संरचना कैसी होती है। तो वन डायमेंशनल क्लोज पैक में आपने क्या देखा कि जब उसके अवयवी कंद के केंद्र को एक दूसरे से टच करते हुए मिलाया गया है तो कैसी आकृति प्राप्त हुई है, लिनियर, रैखिक। तो कहता है वन डायमेंशनल क्लोज पैक की संरचना लिनियर यानी कैसा होता है, रैखिक होता है। दूसरा जो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है ध्यान दीजिए, दूसरा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है आपकी इसमें एक जो गोला है, एक जो स्फेरिकल यानी कि अवयवी कण है, वो अधिकतम कितने गोले से टच हो सकता है। तो ये तो केवल एक गोले से टच हुआ, ये कितने से, दो से, एक ये, एक ये, ये कितने से, दो से, एक ये, एक ये, ये कितने से, दो से, एक ये और एक ये। मतलब ये हुआ कि इसका एक ऐसा गोला, एक ऐसा स्फेयर जो अधिकतम कितने गोले से टच कर रहा है, दो से। कोई ऐसा गोला है जो तीन से टच करता है, नहीं। इसीलिए दूसरा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है कि क्या वन डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर की का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी संयोजन संख्या दो है। कोऑर्डिनेट माने जुटना, जोड़ना, संजोग करना, संयोजन। तो वन डायमेंशनल क्लोज पैक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, दो। ये रखने की जरूरत नहीं है, जब वन डायमेंशन में आप अवयवी कण को सजाएंगे तो एक गोला अन्य कितने गोले से टच करता है, दो से। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, दो। तो एक यह आपका जो लिनियर और एक ये जो दो है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप देखिएगा बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बैंक, उसमें आपको ये आएगा, ये मिलेगा आपको, इसको आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा है टू डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। नाम से स्पष्ट है
टू डायमेंशन, यानी इसमें जो अवयवी कण होंगे वो एक डायरेक्शन में नहीं, दो डायरेक्शन, एक्स और वाई, यानी उदग्र और क्षैतिज। तो जब अवयवी कण उदग्र और क्षैतिज दोनों डायरेक्शन में, यानी एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में एक दूसरे से निश्चित क्रम में जुटते हैं, उसको क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल क्लोज पैटर्न। यदि रबादार ठोस के अवयवी कण दो डायरेक्शन में अर्थात उदग्र तथा क्षैतिज दिशा में एक दूसरे से निश्चित क्रम में सजे होते हैं, टू डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर कहलाता है। वन डायमेंशनल में क्या था, केवल एक डायरेक्शन में था, टू डायमेंशनल में क्या है, दो डायरेक्शन में होंगे। यदि रवादार ठोस के अवयवी कण दो डायरेक्शन में अर्थात उदग्र और क्षैतिज दिशा में एक दूसरे से निश्चित क्रम में सजे होते हैं, टू डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर कहलाता है। अब टू डायमेंशनल के दो प्रकार, उसमें आपको दो दो, दोनों में दो दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ये बड़ा ध्यान देने की चीज है, गौर कीजिएगा, लिख लीजिए इसको। तो ध्यान दीजिएगा, टू डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के प्रकार, जिसमें पहला है टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, गौर कीजिए, टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, नाम से स्पष्ट क्या, स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, गौर कीजिए। जरा गौर कीजिए, इसका एक ये बीच वाला हम गोला को लेते हैं, आप देख लीजिए कि इससे, यानी जिसको हम ले रहे हैं उससे कितने और गोला टच करते हैं, तो ये एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, जरा इसको हम मिलाते हैं, जरा गौर कीजिएगा,
और ये बात समझ में। कहने का मतलब ये हुआ कि टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज फैक्टर स्ट्रक्चर, स्क्वायर मतलब वर्ग से, इसको समझते हैं आप, कब प्राप्त हुआ इसी चीज को व्यक्त कर देना है। तो कहता है, जरा गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, कहता है कि यदि प्रवाहदार ठोस के अवयवी कण को उदग्र और क्षैतिज ए ए ए ए मतलब जैसी व्यवस्था इसकी है उसी ढंग की उसकी इसकी व्यवस्था है, वही सेम व्यवस्था है उसी ढंग का इसकी भी व्यवस्था है। तो यदि रबादार ठोस के अवयवी कण को उदग्र और क्षैतिज एक समान निश्चित क्रम में, एक समान निश्चित क्रम कहने का मतलब कि ए ए ए ए मतलब इसके व्यवस्था में कोई अंतर नहीं है, जैसा ये है जैसा ये है जैसा ये है जैसा ये, एक समान व्यवस्था में सजाने पर जो आकृति प्राप्त होती है वो कैसा होता है, स्क्वायर की आकृति प्राप्त होती है, इसलिए इसको टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। आप इसको जरा बना लीजिए, ठीक है। अब इसको परिभाषित करते हैं, ध्यान दीजिए। वैसा टू डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जिसमें अवयवी कण को ए ए ए प्रारूप में दोनों डायरेक्शन में निश्चित क्रम में सजाया जाता है, टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर कहलाता है। वैसा टू डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर जिसके अवयवी कण को ए ए ए ए मतलब क्या हुआ, बिल्कुल एक समान प्रारूप में दोनों डायरेक्शन में निश्चित क्रम में सजाया जाता है, क्या कहलाता है, टू डायमेंशनल क्लोज फैक्टर स्ट्रक्चर, टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज फैक्टर स्ट्रक्चर कहलाता है। क्योंकि जब दोनों डायरेक्शन में अवयवी कण को एक समान रूप से जब सजाइएगा तो जो आकृति प्राप्त होगी वो कैसा आकार होगा, स्क्वायर प्राप्त होगा, इसलिए इसको स्क्वायर क्लोज फैक्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। लिख लीजिए, आगे चलते हैं। अब इसमें दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टू डायमेंशनल क्लोज
स्क्वायर क्लोज पैक्ट की संरचना। कैसी संरचना होती है? स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि यदि रबादार ठोस के अवयवी कण को एक समान दोनों एक्सिस दोनों डायरेक्शन में एक्स और वाई उदग्र और क्षैतिज डायरेक्शन में अगर सजाएंगे एक समान सजाएंगे ए ए ए का मतलब एक समान सजाएंगे तो आपको कैसी आकृति प्राप्त होगी? स्क्वायर। अभी फिगर में आपने देखा था कि एक बीच में स्फीयर था उससे कितने स्फीयर टच किए थे? चार स्फीयर टच किए थे और चारों के सेंटर को मिलाने पर कैसा प्राप्त हुआ आकार? स्क्वायर प्राप्त हुआ। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने क्या देखा कि इसका शेप कैसा होता है, इसका आकार संरचना कैसी होता है? स्क्वायर होता है। अब इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको हम संयोजन संख्या और वो कितना होता है? चार। आपने क्या देखा था कि एक स्क्वायर अन्य कितने स्क्वायर से, एक गोला जो है अन्य कितने गोले से टच किए थे? चार से। इसलिए उसका आकार चारों को चारों के केंद्र को मिलाने पर कैसा आकार मिला था? स्क्वायर। और चूंकि एक गोला कितने से टच किया है? चार से। संयोग किया है कितने से, मिला है टच किया है कितने से? चार से। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर संयोजन संख्या कितना हुआ? चार। वन डायमेंशनल का स्ट्रक्चर लिनियर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, संयोजन संख्या कितना? दो। और टू डायमेंशनल में स्क्वायर का स्ट्रक्चर कैसा? स्क्वायर ही। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? चार। लिख लीजिएगा, आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, अब दूसरा आता है टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। गौर कीजिए क्या है हेक्सागोन, गौर कीजिएगा यह हेक्सागोनल क्यों कहलाया, जरा गौर करते हैं। इसमें आपने क्या किया है कि अवयवी कण को, रबादार ठोस के अवयवी कण को एक्स एक्सिस
और वाई एक्सिस कितने डायमेंशन में, दो डायमेंशन में सजाया है। लेकिन इसको जो सजाने का आधार है, ध्यान दीजिएगा, ए ये इसके जैसा नहीं, एक को छोड़कर, तो एक को छोड़कर इसलिए इसकी व्यवस्था इससे भिन्न हो गई, तो इसको मान लिया कौन चीज बी, ये अगला जो है ऊपर के जैसा है तो इसको मान लिया क्या ए। अब फिर उसके बाद जो ये व्यवस्था है वो किसके जैसा बी, तो बी। यानी आपने जो अवयवी कण को सजाया है ए ए ए पैटर्न पर नहीं, ए बी पैटर्न पर, यानी ए के बाद बी और फिर ए, माने एक समान नहीं है, एकांतर एक समान है। यही ध्यान देने वाली बात है, क्या कि एकांतर एक समान है, एक के अंतर के बाद एक समान है। इसके पीछे क्या था, एक समान, और अब क्या बोलेंगे, एकांतर एक समान, यही दोनों में क्या है, अंतर है। जरा गौर कीजिएगा, तो इसका एक बीच वाला ये गोला हम लेते हैं, ये देखिएगा कि कितने गोले से टच किया है, तो एक दो तीन चार पांच छह, कितने गोले से टच किया, छह गोले से। जब एकांतर, जब एक समान सजाया था ए ए ए पैटर्न पर, तो कितने गोले से टच किया था, चार से, और ए बी के पैटर्न पर यानी एकांतर एक समान सजाया है तो कितने गोले से टच किया, छह गोले से टच किया। जरा इसको आप मिला दीजिए, तो छह गोले से टच किया और छह गोला के केंद्र को आप मिलाए तो कैसा स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ, हेक्सागोनल, इसलिए इसको टू डायमेंशनल हेक्सागोनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। और अगर आपसे पूछे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ये जो तीनों आपने अभी तक पढ़ा है उसका मुख्य उद्देश्य वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, तो एक में क्या लिनियर, वन डायमेंशनल में लिनियर और कोऑर्डिनेशन नंबर दो, टू डायमेंशनल में स्क्वायर में स्ट्रक्चर कैसा स्क्वायर और कोऑर्डिनेशन नंबर चार, और हेक्सागोनल में आकार कैसा हो गया, हेक्सागोनल, रटने का जरूरत नहीं है, और उसकी उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होता है, छह। ये कोऑर्डिनेशन नंबर का जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, ये बार बार पूछता है। आकार हो गया आपको हेक्सागोनल, है ना। तो अब इसको हम परिभाषित करते हैं, इसको आप पहले देख लीजिए, ठीक है। तो क्या है, वैसा 2D क्लोज पैक स्ट्रक्चर जिसके अवयवी कण एकांतर, गौर कीजिएगा इसी बिंदु को, एकांतर एक समान यानी ए बी ए रूप में सजे होते हैं, सजे होते हैं 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर कहलाता है। अंतर उसमें कैसे अवयवी कण को सजाया था, ए ए ए माने एक समान, इसमें कैसे सजा रहे हैं, ए बी ए बी, मतलब ए के बाद ए नहीं आ रहा है, ए के बाद बी तब ए, माने ए और ए के आने में एक स्थान चेंज है, इसलिए क्या कहते हैं, एकांतर एक समान।
क्या कहते हैं, एकांतर एक समान, तब जाकर के जो उसका स्ट्रक्चर प्राप्त होता है वो हेक्सागोनल, इसलिए इसको क्या हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, और तब इसकी संरचना कैसा होता है, हेक्सागोनल दिखाई दे रहा है आपको, कितना कैसा होता है हेक्सागोनल, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी संयोजन संख्या 6। तो एकदम स्पष्ट आपको क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, वन डायमेंशनल का स्ट्रक्चर लिनियर और कोऑर्डिनेशन नंबर 2, टू डायमेंशनल के कितने प्रकार 2, एक स्क्वायर और एक हेक्सागोनल, तो स्क्वायर का स्ट्रक्चर स्क्वायर, हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल, स्क्वायर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4 और हेक्सागोनल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6 होता है। तो ये तीनों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आते हैं, ये दिमाग में बात रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इसके बाद फिर से सॉलिड स्टेट का आगे का टॉपिक हम देंगे, तब तक के लिए आप ध्यान से क्लास को पढ़ते रहिए। और एक बात आपको ये बताना जरूरी, हम समझ रहे हैं कि चैनल को देखते हैं आप उसे सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको जो नए नए नोटिफिकेशन है वो जैसे ही अपलोड होगा वो आपको तुरंत से जल्दी से जल्द मिल जाता है, इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी होता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके।